तो आ गए आप लोग। यही होता है जब कोई कंपनी अपने आप को एप्पल से कंपेयर करती है ना, तो 3-4 महीनों के बाद उसको समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हम बात कर रहे हैं नथिंग फोन 1 की। ये वाला फोन जो मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस ही 33,000 रुपीज। उसके बाद नथिंग ने 1,000 रुपए का इंक्रीमेंट किया था, मतलब कोई सैलरी नहीं है बट इसका प्राइस बढ़ा दिया गया था। उसके बाद ये फोन हो गया था 34,000 में, और अभी आप चेक करेंगे तो ये फोन आपको मिल जाएगा 27,000 में, और कार्ड वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये फोन आपको मिल जाएगा 25,000 में। तो क्या ये एक सही मौका इस फोन को बाय करने का, या फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस फोन की प्राइस क्यों कम हुई? और भाई अगर आप पहली बार वीडियोस देख रहे हो तो ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, भाई सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना। तो भाई जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना तो बहुत तगड़ी हाइप बनी थी कि भाई नथिंग फोन 1 कुछ तो नया आ रहा है। तो हां नया फोन है और काफी बढ़िया डिजाइन है, इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहां पे एप्पल से कंपेयर करने की, तो उस मामले में बिल्कुल भी कॉम्पीट नहीं करता। लेकिन एक चीज में कॉम्पीट करते हैं, वो है चार्जर ना देने में। चार्जर एप्पल भी नहीं देता और साथ में कवर भी आपको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप दूसरे ब्रांड्स को देखेंगे ना तो वो चार्जर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में आपको कवर भी देखने को मिल रहा है। और यही चीज भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर नथिंग बेचता है अलग से, चार्जर 2500 रुपए का और कवर 1500 रुपए की, जबकि उस कवर में भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम कवर आपको 100 रुपए में मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो भाई सबने इस चीज को इग्नोर किया, हमने भी किया कि कोई बात नहीं भाई, चार्जर नहीं दे रहे, कवर नहीं दे रहे, लेकिन फोन में कुछ बात होगी। भाई उस हिसाब से देखें तो डिजाइन काफी तगड़ा है, काफी नया है और एक प्रीमियम फील तो आपको देता है। जो मटेरियल यूज किया गया है, अगर हम बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी काफी एक्सीलेंट है। और जो उसके पीछे आपको ग्लिम्प लाइटिंग देखने को मिलती है, ये यूनिक है। हालांकि मुझे उतनी पसंद नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे आप इस फोन को यूज करते जाएंगे ये कुछ नई चीज आपको नहीं लगेगी, लाइक वाव वाली चीज है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी मैंने फेस की है कि ये जो लाइटिंग है ये हल्की येलोइश हो जाती है कुछ टाइम के बाद में। स्टार्टिंग में ये प्योर व्हाइट थी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज करेंगे ना तो आपको ऐसे मजा नहीं आएगा, आप इसको ऑफ कर देंगे जैसे मैंने इसको ऑफ किया है। बाकी भाई हार्डवेयर के मामले में काफी तगड़ा डिवाइस है। अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन 778G के साथ में, तो काफी मस्त चलता है ये फोन, 5G सपोर्ट करता है और 5G मैं यूज भी कर रहा हूं इस फोन के अंदर, चाहे हम बात करें जियो की चाहे हम बात करें एयरटेल की, दोनों ही काफी तगड़ी स्पीड देते हैं। जो भी स्पीड हमें देखने को मिली है वो GBPS के अंदर देखने को मिली है, तो कोई भी स्पीड से रिलेटेड इशू मुझे नहीं मिला इस फोन के अंदर। अब गाइस बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरा काफी विवादों में रहा है जब से ये फोन लॉन्च हुआ है, क्योंकि इस फोन की कैमरे की परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी नहीं थी। जिस तरह से इस फोन को कंपेयर किया गया था आईफोन के साथ में, और ये भी बताया गया था कि भाई नथिंग का पूरा इवेंट इस फोन के साथ में शूट हुआ है, काफी सरप्राइजिंग था मेरे लिए। लेकिन जब ये फोन मुझे मिला तो मैं इसके कैमरा क्वालिटी से उतना इंप्रेस नहीं हुआ। हालांकि डे बाय डे अपडेट के थ्रू इस कैमरे को काफी ज्यादा फिक्स किया जा चुका है और अभी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन अभी भी कैमरे में प्रॉब्लम है। और अगर आप देखेंगे तो कलर वगैरह थोड़ा सा प्रोसेस करने में इसको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दूसरे स्मार्टफोन AI में काफी तगड़े से प्रोसेस करते हैं। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ अपडेट्स में ये चीज फिक्स हो जाएगी, क्योंकि नथिंग ने एक चीज और बोली है कि 2023 में वो अपना कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करेंगे। काफी ज्यादा ये सोचने वाली बात है और इस फोन पे फोकस करेंगे, तो देखते हैं भाई कितने अपडेट देते हैं। और एक चीज और है कि अगर आपने हार्डवेयर कोई पहले से इसके अंदर डाल दिया तो उसको अपडेट के थ्रू तो कभी भी उसको सुधारा नहीं जा सकता, बट देखते हैं कि कितना ज्यादा इसको और अच्छा बना सकते हैं वो लोग। बाकी भाई बैटरी काफी तगड़ी है इस फोन की, मस्त चलती है और चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे 45 वॉट का चार्जिंग स्पीड दी गई है। मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज में कम से कम 60 वॉट के आसपास होना चाहिए था। बाकी भाई जो इस फोन की बैटरी है वो काफी तगड़ी चलती है, सभी चार्जर इसके साथ कंपेटिबल नहीं है। जो क्वालकॉम क्विक चार्ज को सपोर्ट करते हैं उसी से ये फोन फास्ट चार्ज होता है, क्योंकि अगर आप OnePlus के चार्जर से चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो ये वाला फोन फास्ट चार्ज नहीं होगा, स्लो चार्जिंग के अंदर चार्ज होगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर और UI की। सॉफ्टवेयर देखो काफी बढ़िया है, काफी स्मूथ है, कोई भी एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन गाइस जब ये फोन लॉन्च हुआ था तभी से इस फोन के अंदर काफी सारे बग्स थे, मतलब कुछ कुछ चीजें सही से काम नहीं करती थी, लाइक फिंगरप्रिंट स्कैनर उस टाइम पे। अभी अपडेट के थ्रू काफी सारे बग्स फिक्स हो गए हैं और फिंगरप्रिंट वगैरह काफी मस्त तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने फेस की हैं इस फोन के अंदर और टिल डेट ये चीज सॉल्व नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पे मैं ये
ये फ़ोन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो कॉल वगैरह मैं करते रहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ये फ़ोन यूज़ करके कॉल कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ये आपकी कॉल म्यूट कर देता है भाई। और भाई ये चीज़ फिक्स होने के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ कि इस अपडेट में फिक्स होगा, इस अपडेट में होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। आई होप कि एंड्रॉयड 13 में ये चीज़ हो जाए। और भाई ये जो कॉल म्यूट वाला जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर से होती है, क्योंकि आप कान में ऐसे पुट करते हैं जब फ़ोन, तो हल्का सा दूर होता है या पास होता है ना, तो लाइट जल जाती है और सिंपली आपके जो गाल वगैरह है उसे टच हो जाता है और कोई भी बटन दब जाती है। तो ये चीज़ प्रॉक्सिमिटी सेंसर में कुछ एरर है या फिर हार्डवेयर में या फिर सॉफ्टवेयर में, आई डोंट नो, ये चीज़ नथिंग को फिक्स करनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई, ये काफ़ी सीरियस इशू था इसलिए मैंने इतना ज़्यादा मेंशन किया। और भाई दूसरा जो मेजर इशू ये है ना कि अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो इसके अंदर वार्निंग आ जाती है कि आपके फ़ोन में लिक्विड वगैरह है और ये सारी चीज़ें हैं, लिक्विड डिटेक्शन का मैसेज देता है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जैसे ही आप इसको प्लग करते हैं ना, चार्ज होना ही बंद हो जाता है। और इस चीज़ से भी मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ। तो भाई अगर आप नथिंग यूज़ करते हैं तो बताना कमेंट में क्या आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है या सिर्फ मेरे यूनिट में ये प्रॉब्लम है। तो भाई ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन को देखेंगे या फिर लेने की सोच रहे हैं, कहीं भी आपके माइंड में ये चीज़ क्लिक कर रहा है कि नथिंग का फ़ोन लॉन्च हुआ 34 में, अब प्राइस हो गया 25-26 के आसपास, तो क्या आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए? तो अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ तो शायद नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आपको देखो अपडेट वगैरह चाहिए कि मस्त हर हफ्ते अपडेट आती रहे, हर महीने अपडेट आती रहे, तो शायद ये फ़ोन आपके लिए है। बट अगर आप एक एकदम मस्त वेल सेटल्ड फ़ोन लेना चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो शायद आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लाइक आईकू नियो 6। वहां पे आपको स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का चिपसेट देखने को मिल जाता है। क्योंकि भाई अगर आप कोई फोन खरीदते हैं ना तो मेंटली सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए कि हाँ खरीद रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम ना है या फिर कोई इशू रिपोर्ट हुआ है तो वो अगले अपडेट में फिक्स हो जाए। बट यहाँ अगले से अगला अपडेट, पता नहीं कितना अगला अपडेट आ गया है, बट अभी तक कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि अभी फिक्स नहीं हुई हैं। तो भाई ये था मेरा पूरा एक्सपीरियंस नथिंग फोन 1 के लिए। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई प्राइस कम हो गया है तो क्या हमें नथिंग फोन 1 लेना चाहिए या नहीं। अगर आपको देख के मजा आया है ना तो यार लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ऐसी मस्त क्वालिटी की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।